तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास VXi प्लस का जो है यहाँ पे जो नया 2021 का जो है मॉडल है, ठीक है। मैं आपको पूरा इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ बैक से एंड यहाँ पे लाइट से, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं फ्रंट से, ठीक है। मैं आपको फ्रंट से जो है दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले फ्रंट से जो है VXi प्लस का लुक कुछ इस तरीके से दिख जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो, ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका इंडिकेशन जो यहाँ पे इसका मिल जाता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका हेडलैम्प वगैरह कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे इसका बॉडी आप देख सकते हैं, फिनिशिंग वगैरह कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की जो है प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप सेकेंडरी में आते हैं तो सेकेंडरी में आपको कुछ तरीके यहाँ पे जो है मिडिल में इंडिकेटर की जो है प्लेसिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में अभी ये जस्ट अभी गाड़ी जो है हमारी रेडी हो रही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इधर रेडी किया जा रहा है, इसको अभी पूरा हो रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमको पता है VXi प्लस में जो मेन इसका मतलब यहाँ पे पार्ट है वो है हमारा यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंच का जो है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल मैं अभी इंटीरियर की बात में करूंगा, पहले मैं यहाँ पे एक्सटीरियर की बात करने वाला हूँ, ठीक है। बैक साइड में आप डिजाइन देख सकते हैं व्हाइट कलर की ये है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर पीछे की साइड में जाते हैं रियर साइड में तो रियर साइड में आपको कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको बैक साइड में जो है लैंप देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको जो है 160 mm जो है ग्राउंड क्लियरेंस जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बैक साइड में जाते हैं इसका बूट स्पेस की साइड तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 177 लीटर का जो है बूट स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो कि इसके साथ मिल जाता है। इसके साथ कुछ एडिशनल पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बैक साइड से आपको देखने को मिल जाता है लुक, ठीक है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले पैसेंजर साइड में। तो पैसेंजर साइड में यहाँ पे मिल जाता है आपको एक यहाँ पे ड्यूल एयरबैग मिलता है, एक ड्राइवर साइड में मिलता है, एक यहाँ पे पैसेंजर साइड में मिलता है, ठीक है। पैसेंजर साइड में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एयरबैग यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे आपको पता है मेन पार्ट जो है इसका 7 इंच का जो VXi प्लस मॉडल है उसका जो यहाँ पे 7 इंच का जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके लेग रूम की, देखिए मैं बैठता हूँ तो मेरी हाइट जो है 5.3 इंच की है, ठीक है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं काफी स्पेस मतलब मेरे हिसाब से, बाकी हो सकता है कि आपकी हाइट ज्यादा लंबी हो या फिर आप ज्यादा मोटे हो तो इस वजह से आपको अपने हिसाब से जो देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ पैसेंजर साइड से इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ये आपको ड्राइवर साइड मिलता है, इसमें आपको जो है यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है, ठीक है, देखने को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेशन वगैरह इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये कुछ 7 इंच की हमारी डिस्प्ले मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको AC के इवेंट्स, ठीक है, एक ये मिल जाता है, इधर मिल जाता है और एक उधर मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे मतलब सभी दिए गए हैं। एंड पीछे की साइड में अगर हम चलते हैं रियर साइड में तो यहाँ पे रियर में कुछ इस तरीके से मिलता है। चलिए पहले पीछे की साइड में आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेग रूम स्पेस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है लेग रूम का स्पेस, मतलब मेरी हाइट तो काफी मतलब 5.4 इंच की, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ड्राइवर साइड से अगर हम बात करें तो ड्राइवर साइड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड एक ऊपर की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, रीडिंग लैंप मिल जाता है। एंड यहाँ पे मिल जाता है IRVM, ठीक है। और इसके हम ORVM की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ORVM दिया गया है इसमें, ठीक है। फिलहाल ये है ऑल्टो 800 VXi प्लस मॉडल कुछ इस तरीके से। सो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से आपको किस तरीके से इस VXi प्लस का जो है यहाँ पे जो है रिव्यू लगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।